मैं बहुत थक गया हूँ, प्यास भी लगी है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब हम इसका क्या करेंगे? आइडिया। चिंता मत करो नन्हे दोस्त, हम तुम्हें तुम्हारी माँ तक जरूर पहुँचा देंगे। तुम नहीं पहुँचा सकते। हाँ? तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं विवू हूँ। माँ ने खास तौर से कहा था कि बोलना नहीं, उड़ना नहीं, शैतानी नहीं करना। काश मैंने उनकी बात सुनी होती एक अच्छे बच्चे की तरह, जैसे भीम अपनी माँ की बात सुनता है। जैसे भीम? हाँ, मेरा सुपर हीरो छोटा भीम। तो तुम कभी भीम से मिले नहीं? तो फिर अब मिल लो। हाँ, भीम, तुम सच्ची छोटा भीम हो। हम तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करेंगे। अब ध्यान से याद करो कि तुम कहाँ रहते हो। मैं माँ ने कहा था अगर मैं खो जाऊँ तो मैं उन्हें मिलूँ। तुम उन्हें मिलो कहाँ? आकाशवन। मैं उन्हें मिलूँ आकाशवन में। आकाशवन? ओहो, ये तो ढलकपुर वन से थोड़ा आगे है। और मैंने ये भी सुना वहाँ हर जानवर उड़ सकता है ना भी वो? छोटा भीम मेरा सुपर हीरो। छोटा विवू मेरा प्यारा छोटा दोस्त। आकाशवन और थोड़ा आगे तुम्हारा घर या गुफा कहाँ है विवू? माँ। हाँ विवू, तुम्हारी माँ जल्द ही मिल जाएंगी। हाँ। नहीं माँ। भीम, तुमने सिर्फ मेरे बच्चे की ही नहीं आकाशवन के भावी राजा की रक्षा की है। अगर भविष्य में कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। विवू, अब से तुम एक अच्छे बच्चे बनकर रहोगे और अपनी माँ की बात सुनोगे, है ना? हाँ, बिल्कुल मेरे सुपर हीरो की तरह। अरे भूकंप आ रहा है क्या? भूकंप नहीं, वो आ रहा है। ढोलकपुर गांव यही है क्या? हाँ, यही है। आपको किससे मिलना है? किसी से नहीं। कितना तगड़ा है, इससे अपना दोस्त बना ले तो। पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, अठारह के बाद 19 आता है, फिर 20। इससे तो अपना कालिया उस्ताद ही अच्छा है। हाँ, कालिया उस्ताद ही हमारा उस्ताद है। बेटा भीम, आज मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। बहुत सालों तक इसने मेरा साथ निभाया है, गर्मी बारिश धूप छांव में मेरे काम आया है, संभाल कर रखना।
रंग बिरंगा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसा भी तो हो सकता है कि दादाजी की बाकी कई चीजों की तरह ये छाता भी जादुई हो, इसमें भी कुछ खास बात हो। चलो जल्दी खोल कर देखें। दादाजी ने प्यार से मुझे ये तोहफा दिया है और मैं इसे प्यार से रखूंगा भी और इस्तेमाल भी करूंगा। आज पूर्णिमा है और सबको लग रहा होगा कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी। ये कौन है? इसको परेशान करती हूँ, मजा आएगा। एक डब्बा मुझे भी देना। मुझे जल्दी जाना है। मुझे दो ना मौसी, मुझे दो ना। मुझे दो डब्बे और कहाँ से स्पेशल लेने आई है? इंतजार कर रही है। एक डब्बा मुझे भी देना। मुझे दो ना। बड़ी मुश्किल से मिले, अब चलो जल्दी। चुटकी, तुम बताओ तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। ओहो, इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया तू बता, तुझे किसका डर है? हाँ? मैं शेर हूँ, शेर किसी से नहीं डरता। और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। तंत्र के काम आ सकता है। मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। ओए हुफ पुफ, रुको, चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, जान तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है, वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मेरे जानवर दोस्त कहते हैं कि सितारा सरोवर में चांद का बिंब सबसे मनोहर दिखता है। मतलब वो मनोहर चाचा नहीं। तो फिर तय है, हम सितारा सरोवर जाकर खजाना ढूंढेंगे। पर वहाँ जाना आसान नहीं। कालिया, अगर काम आसान हो
तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब फिर से कोशिश करता हूँ। कालिया पहलवान का जवाब नहीं। खजाना पाने की खुशी में मेरा प्यारा झाड़ू खराब हो गया। ये जगह कितनी सुंदर है। अब हमें रात तक रुकना होगा ना, चांद का बिंब देखने के लिए। तब तक कुछ खा नहीं सकते ना। खजाने को कोई नहीं ले सकता, उसे सिर्फ जीता जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? शक्तिशाली और बुद्धिमान ही इस खजाने का हकदार है। तो पहले तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास एक मिनट है, अपने दोस्तों को बचा कर दिखाओ। अगर एक मिनट में इन्हें बचा नहीं पाए तो तुम्हारे दोस्त यहीं गुफा में ही रह जाएंगे। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर दो और फिर खजाना तुम्हारा। पूछिए। तो सुनो, पूर्णिमा का चांद आसमान में रहते हुए भी कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाता है, ये कब होता है? बताओ 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 बताओ। चंद्र ग्रहण के समय। बहुत अच्छे। अब दूसरा प्रश्न, तारा मंडल में सबसे विशिष्ट मंडल कौन सा है? सप्तर्षि मंडल। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तुम बच्चे शक्तिशाली हो और समझदार भी, इसलिए इस खजाने के हकदार तुम हो। मेरी झाड़ू। चलो अब खजाना जाकर देखें। मैं हूँ जादूगर कलाकार, हर पौधे से मुझे प्यार। ये है पानी दोस्ताना, इससे दुश्मनी हो जाएगी खत्म और बचेगा सिर्फ याराना। वाह 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 वाह, जादूगर कलाकार पानी दोस्ताना, ये तो बहुत दिलचस्प चीज है। साथियों छीन लो ये पानी। बताओ इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, बताओ। इस पानी को जिस पे भी फेंकोगे, मैं उस महाराज इंद्रवर्मा का सबसे
सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा और वो मुझे सारा खजाना अपने हाथों से दे देगा। डोलू बोलू जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। क्या निशाना लगाया भीम? उस्ताद आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। उसके झटके के बाद की तो तुझे पटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। भागने का पता नहीं लेकिन अच्छा हाफ लेते हो। राजू तुम तो गए। ये सचमुच में गया क्या? बस बस करो भीम, रुक जाओ। ठीक है लो रुक गया। आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू पिट्ठू कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। कुछ लड्डू मुझे महाराज के लिए भी ले जाने होंगे। तो चलो हम भी चलते हैं साथ। मंगल सिंह मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमसफर, कहाँ थे तुम? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मंगल सिंह। महाराज मैं तो बस। अब तुम राजा के सिंहासन पर जचोगे। मंत्रियों राजा मंगल सिंह का सिंहासन लाया जाए। अनर्थ हो गया महाराज, उस डाकू को राजा बना रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ करना ही होगा भीम, वरना मंगल सब कुछ लूट कर ले जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मंत्री जी, हम ये नहीं होने देंगे। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया? हाँ राजू, जादूगर कलाकार भी कमाल का। क्या पानी बनाया उसने? पानी दोस्ताना। तो इस वजह से मंगल सिंह और महाराज इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। हमें उस जादूगर कलाकार से मिलना होगा दोस्तों। वाह ये तो बहुत अच्छी जगह है। मैं हूँ जादूगर कलाकार, करता हूँ पेड़ पौधों से प्यार। कौन है? कौन तो आप हैं जिन्होंने मंगल सिंह को दोस्ताना जादुई पानी दिया? मैंने दिया नहीं, उसने मुझसे छीना। क्या आपके पास उस पानी का कोई तोड़ है? दोस्ताना पानी का तोड़ है दुश्मनी पानी, लेकिन उसे बनाने के लिए मुझे जंगल में खिलने वाला काला फूल चाहिए। काला काला हम लाकर देंगे आपको वो काला। क्या सच में? जो सावधानी से जाना, वो जंगल खतरों से खाली। कितना अजीबो गरीब जंगल है ना? देखो फल भी कितने अजीब है। अरे वाह ये अनोखा वन कितना सुंदर है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीते हैं। कालिया संभाल के,
खतरा हो सकता है। देखा भीम, कुछ नहीं हुआ। और ये दो मेंढक मेरे ऊपर, बचाओ! भीम, भीम, कालिया फिर से फंस गया है। ये तो कुछ ज्यादा ही तेज भाग रही है। शुक्रिया भीम, तुम सब नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। ये तो मेरा और मेरे दोस्तों का फर्ज था महाराज। हाँ महाराज। किसी ने अभी अभी मेरा मुकुट और कपड़े चोरी कर लिए हैं। रुको, मुझे पहचाना नहीं? मैं महाराज इंद्र वर्मा हूँ। और मैं हूँ भीम। रुको, महाराज डमरू, ये मुकुट आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। टुन, आप तो मुझे पहचानती है ना? कौन हो तुम? आप भी? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ठीक है, पर मुफ्त में नहीं मिलेगा। हाँ। मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी बात का कोई यकीन भी नहीं कर रहा है। मुफ्त में खाना किसी को शोभा नहीं देता। अब जाओ। हाँ?
लड्डू कहाँ गए? अरे जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। हाय, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे सारे जेवर, मेरे सारे जेवर ले गया, मेरे सारे कपड़े ले गया। बताइए चाचा क्या हुआ? वो बांसुरी वाला। मगर वो ये सब कर कैसे रहा है? मुझे लगता है ये उस बांसुरी के कारण है। इस अनोखे बांसुरी वाले से तो मिलना ही पड़ेगा। यहाँ आओ। इंद्रवर्मा हूँ। किसी ने मेरे सारे कपड़े और गहने चुरा लिए हैं। मेरा मुकुट भी ले लिया उस चोर ने। मेरा विश्वास करो भीम। महाराज आप यहीं आराम कीजिए। पोशाक और गहने ले सकते हो पर मैं मुकुट वापस नहीं दूंगा। मुकुट भी वापस दे दो डमरू वरना ना 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 बंदर बंदर ना ना ना। डमरू मुकाबला हो जाए। तुम जीते तो मुकुट तुम्हारा। कैसा मुकाबला? मैं जो भी करूँगा तुम्हें मेरी नकल करनी होगी। हाँ मंजूर है। देखा डमरू, दूसरों की चीजें लेना बुरी बात होती है। मुझे तो कुछ समय के लिए राजा बनना था बस। हाँ पर उसके लिए तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं थी।